सत श्रीकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो अपने स्टूडियो के और ओम ग्लोबल तो पुनीत खन्ना जी एक बार फिर तो हाजिर हैं। सो पुनीत खन्ना जी अच्छ जुड़े हैं यूके स्टडी वीजा लैके, कैनेडा स्टडी वीजा लैके और आस्ट्रेलिया स्टडी वीजा लैके गल्लां बातां करन लई। तुसी 12वीं पास की है, तुसी ग्रैजुएट हो, यूके जाना चाहते सी, तुहाडे नंबर घट आ, तुसी आईलैट्स नहीं की, कंसल्टेंट कह रहा तुहाडा यूके का वीजा नहीं लग सकता। अज का शो तुहाडे लई खास होगा, तुहाडे 6 बैंड है, एक मॉड्यूल चो 5.5 बैंड है। तुसी क्यूबैक जाना चाहते सी, मॉन्ट्रियल जाना चाहते सी, कनेडा जाना चाहते सी, रिफ्यूज हो गए हो, या जिहड़े 10 कॉलेजों की सूची जिन्हां दी सीएक्यू सस्पेंड हुई है उन्हां दी लिस्ट दे विच तुहाडे कॉलेज दा नाम आ चुका है, तुहाडी फीस उत्थे फस चुकी है, तुसी दूजे कॉलेज किसे च अप्लाई करना चाहते हो, पैसे एजेंट वापस नहीं करवा रहा, पैसे किवें वापस होणगे, उस बारे अज चर्चा करांगे। आस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, 5.5 बैंड ते किवें 12वीं पास बच्चा आस्ट्रेलिया जा सकता है, अज उस बारे भी चर्चा करांगे, जो अगले भी 25 मिनट अहम होणगे। शो के दौरान कोई सवाल, कोई कॉल लाइव पूछना चाहते हो, सीधे तौर पर करना चाहते हो, 92161 92167 नंबर पर कॉल कर सकते हो, 92161 92167 92161 92167। खन्ना साहब बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया मनीष जी, सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो यूके, कनेडा ते आस्ट्रेलिया तिने ही टॉप कंट्रीज आ जी, पर जिहड़ी तुसीं रिक्वायरमेंट मैनूं लिखाती हैं वो तो बहुत हेठलियां रिक्वायरमेंट लिखाती हैं। तुसीं कहता जी यूके जाना है तो बच्चे को आईलैट्स नहीं है तो भी भेज दोगे जी, जे कनेडा जाना है तो 1.5 बैंड है जिसकी फीस फस गई उन्होंने भी भेज दोगे, तो आस्ट्रेलिया जिसका 5.5 बैंड उन्होंने भी भेज दोगे। सो यूके तो शुरू कर लेने, यूके लिए की ऑप्शन ने अगे, वीजे तो पिछले 20-25 दिन की गल करिए काफ़ी धड़ाधड़ा आने शुरू हो गए यूके के, पहले रिफ्यूजल बहुत सी पर हूँ मैं पिछले 20-25 दिन कोई रिफ्यूजल सुनी नहीं यूके। देखो यूके ने जो खोलिया सारा सिस्टम चेंज किया, दोबारा टीयर 4 के वीजे देने शुरू किए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी अनाउंस करता, धड़ाधड़ एप्लीकेशन पाइया, शायद सारे कोविड पीरियड के दौरान जी कंट्री ने अपना बॉर्डर खुले रखे और स्टूडेंट्स नूं बुलाया और उत्थे बिठा के कैंपसिस दे विच पढ़ाया या उत्थे बुला के ऑनलाइन पढ़ाया, वह कल्ली कंट्री यूके सी। बट उही गल है कि अपने लोग जिहड़े कहिंदे आ ना कि सिस्टम नूं इस लैवल तक लै जांदे आ कि लै बई बस हुण मुकना ही नहीं कदी, जिवें अगला दिन चढ़ना ही नहीं, अज ही हर बंदे दी एप्लीकेशन पा देवां, चाहे 2 बैंड आ, चाहे 3 बैंड आ, चाहे 4 बैंड आ, इस लैवल तक लोकी चल जांदे। इस करके इंटरव्यू शुरू हो गया, बहुत वड्डे लैवल ते रिफ्यूजल्स आईया, इंटरव्यू प्रैपरेशन कराने का तो मादा सीगा ही नहीं कंसल्टेंट दे कोल, सो उहदे करके फिर हौली हौली फिर सारे स्लो हो गए। हुण जदों एम्बैसी ने देखिया कि नहीं जी चंगी एप्लीकेशन नहीं रह गई है, सिर्फ एम्बैसी दे विच चंगीआं यूनिवर्सिटीआं च ही बच्चा एडमिशन लै रहा, तो दोबारा फिर जिहड़ा वीजा सक्सैस रेट है पिछले काफ़ी देर तो बड़ा चंगा आ रहा है। जे रीसेंट की गल करा, इस साल की गल करा, तो 8 to 10 वीजे ऑलरेडी जिहड़े हैगे आ यूके दे ग्रांट हो गए ने। सो कोई भी स्टूडेंट अज भी बिना आईएलटीएस दे लुकी हमेशा बॉर्डर खुले रखे, कोविड के दौरान भी अज फिर बॉर्डर खुले ने, लोग कहते लॉकडाउन हो गया, 4 दिन फ्लाइटा बंद हुई यूके दी, दोबारा फिर 8 तरीक तो फ्लाइटा चालू हो गई कि हफ्ते दी 2 फ्लाइटा चलिया करूगियां, दिल्ली हो 2, अमृतसरों 2, बॉम्बे तो, सो होर कितनियां फ्लाइटा चाहिए तुहानू। अल्टीमेटली अज जिहड़ी कंट्री आस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर नहीं खोले, कैनेडा बहुत लिमिटेड सप्लाई दे विच स्टूडेंट जांदा पिया, सो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलने लग गया, अगे जाके PR का पाथवे प्रोग्राम भी बन गया। सो एक ब्लैसिंग बन के यूके आया और तुसी बिना आयल्स दे किसी चंगी कंट्री जा सकते हो, सिंगापुर साइप्रस नू छड़ के वो चंगी कंट्री तुहाडा इंतजार करती, दैट इज़ यूके। सो यूके दे विच एक 12वीं पास बच्चा है, तुसी कहते हैं बिना आयल्स तुसी 12वीं पास बच्चे नू भेज सकते हो जी, नंबर मैटर करते हैं कि यूनिवर्सिटी किन्ने नंबर मंगती है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप एक पर्टिकुलर मिनिमम बेंचमार्क की गल कर लिए, एक 12वीं पास बच्चा उन्हें आईलैट्स नहीं की, घट्टो घट्ट किन्ने नंबर हो, घट्टो घट अंग्रेजी चो किन्ने नंबर होण जिते तुसीं एडमिशन करा दोगे। देखो इदां तां फिर टोटल ओवरऑल जे बच्चे दे 50% नंबर हैगे, अंग्रेजी च भी 50% नंबर हैगे, दाखला उहदा भी हो जूगा। मैं ओह बच्चे नूं इनवाइट करना चाहुंदा जिहदा अल्टीमेटली वीजा तां लगे ही लगे, उत्थे जा के पढ़ाई भी चज नाल कर सको। मैनूं कि मैं तां 33% वाले दी भी एप्लीकेशन ला दांगा और 33% वाले नूं वीजा भी लै दांगा, पर तुसीं पढ़ोगे किद्दां उत्थे जा के, उस पढ़ाई दे नाल कोप अप किद्दां करोगे। पर तुसीं बहुत वड्डी गल कर रहे हो, बिना आईलैट्स तों
जी 33% नंबर वाले नू वीजा लै दोगे जी 33% नंबर वाले नू 40% नंबर वाले नू 45 वाले नू 50 वाले नू बिना आईएलट्स तो बिना आईएलट्स दे इना स्टूडेंट्स दा आज भी यूके दा वीजा लगदा क्योंकि कल्ली कंट्री है जड़ी कहंदी है मेनू आईएलट्स नहीं चाहिदा एंबेसी ने इंटरव्यू करके देख ली कितें यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कर लैंदी है बट ए मेरी सजेशन है तुसीं कहिंदे मैं 40% ते जाणा कोई गल नहीं मेरे वल्लों 40% ते चल जाओ बट जे तुहानू इंग्लिश दा लैवल तुहाडा नहीं हैगा जे तुसीं उत्थे जाके नहीं पढ़ पाओगे फिर ए स्टैप सोच समझ के लियो जिस दिन तो केस बुक हो जाता बच्चा अपने कागज दे दिंदा उस दिन तो तैयारी शुरू हो जाती है केड़े कॉलेज केड़ी यूनिवर्सिटी केड़े कोर्स क्यों यूके क्यों इस कोर्स दे विच इस तो बाद की करना सो जिन्ने सारा क्वेश्चनेयर हैगा उस स्टूडेंट नूं पहले दिन देता जांदा उस तो बाद उहदी तैयारी रेगुलरली टेलीफोनिक इंटरव्यू दे राही उहदी तैयारी कराई जांदी है सो देखो क्यों लोकां ने यूके दा काम शुरू कीता सीगा क्योंकि सौखा काम सी 30 पॉइंट दा जी कैश लै लिया 10 पॉइंटा दे जी फंड लै ले ते 40 पॉइंट फाइल च कुछ लगना ही नहीं बच्चे दे अकैडमिक लगने बच्चे दा कैश बच्चे दे फंड फाइल एंबेसी च लग गई ते पैसे लै ले क्यों लोकां ने यूके छड़ता काम औखा हो गया जी उन्होंने सिस्टम भी बदलता पॉइंट भी 40 to 70 पॉइंट कर दिते उहदे विच भी करता कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की है कैश लैटर दे विच यूनिवर्सिटियां नूं भी स्ट्रिक्टनेस करती नहीं तां अगे यूनिवर्सिटियां ने भी फटाफट आई जो कीता सी सो काम औखा हो गया इंटरव्यू की तैयारी भी करानी पै गई सो तुसीं एक चीज नोट कर लो चाहे वह यूके है चाहे कैनेडा चाहे आस्ट्रेलिया पंजाब दे विच मेजरली मेजोरिटी ऑफ एजेंट्स 80% एजेंट वह काम पढ़ता जिहड़ा सौखा है जिहदे विच कोई मेहनत ना करनी पवे कागज पत्र ना बहुते लाने पाण बहुता दिमाग ना लाना पवे बच्चे नूं कोई बहुत ज्यादा तैयारी ना करानी पवे सो जो ये काम औखा होया उदो ऑटोमैटिकली जो 80% वाली लीक सी वो छड्ड के चली गई यूके नूं कि नहीं 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 ये नहीं हुण अपने बचदा इह च तां मेहनत ही बड़ी लगती है क्योंकि हड हरामी पई हुई है कि सौखियां चीजा कर लईए सो हुण जदों तैयारी करानी पैंदी है हुण जदों उहदे नंबर देखने पैंदे आ हुण जदों उहदी जिद्दां आस्ट्रेलिया बड़ा वधिया चलदा रहा जदों जीटीए आ गई आस्ट्रेलिया दे विच उदों आस्ट्रेलिया नूं छड्ड के बहि गए कैनेडा अज दी डेट दे विच बड़ा सौखा कि फंड तां कुछ लगणे नहीं जी GIC पा दिओ उहदी LOA लै के पा दिओ काम बड़ा सौखा जिद्दण कैनेडा ने माड़ी मोटी स्ट्रिक्टनेस कीती तां अड्डियां दुकानां तां उसे वेले बंद हो जाणियां सो यूके जे थोड़ी जी मेहनत की जाए बच्चे नूं थोड़ा बहुत सिखाया जाए कि भाई तू की तेरी इंटरव्यू हुंदी है किद्दां इंटरव्यू हुंदी है कोई हउआ थोड़ी इंटरव्यू कोई खा थोड़ी जाऊगी जवाब ही देने है जवाब अपने बारे देने है किसी बारे तो कुछ पुछना नहीं सो जदों तक वह तैयारी तुहाडी हैगी है तुसीं बड़ा ईजीली यूके का स्टूडेंट वीजा अज भी लै सकदे पर जे इंटरव्यू बच्चे की मान लो लैट सपोज बच्चे की इंटरव्यू नहीं होंदी यूनिवर्सिटी कैश लई इंटरव्यू लैंदी है इंटरव्यू क्लीयर नहीं होंदी ऑफर लैटर लई या प्री कैश इंटरव्यू लैंदी है अगर बच्चे की इंटरव्यू क्लीयर नहीं होंदी तो बच्चे का नुकसान की है कोई पैसा तो नहीं खराब होंदा बच्चे का देखो पहली गल तो जिहड़ा कंसैप्ट जिहदे ते आपां काम करदे ओह हमेशा तो ही ओह रहा कि फीस आफ्टर वीजा ओह पहलां वी इही सी ओह अज वी इही है और यूनिवर्सिटी दे इंटरव्यू तक तो वैसे ही कोई पैसा नहीं जांदा ना तुहाडा ना मेरा सो जे इंटरव्यू हो गई कोई इंटरव्यू च उहदे च कोई रिफ्यूजल भी आ गई यूनिवर्सिटी दे इंटरव्यू च तो दूजी यूनिवर्सिटी च पै जूगा तीजी च पै जूगा और बहुत सारियां यूनिवर्सिटीज इदां दीआं वी ने जिहड़ियां नहीं भी इंटरव्यू लैंदियां सो बेसिकली कंसैप्ट इह है कि तुसीं देखणा कि भाई मतलब तुहाडे एजेंट ने देखणा कि तुहाडी एडमिशन कित्थे सौखे तरीके दे नाल निकल जूगी या तुहाडी प्रोफाइल दे विच कित्थे क्वेश्चनेबल सिचुएशन घट चांसेस ने होण दे जे तुसीं इंटरव्यू दे एलिजिबल हो तां इंटरव्यू वाली यूनिवर्सिटी हो जाए जे तुसीं इंटरव्यू तुहानूं लगदा कि यार नहीं सर मैनूं डर ही बड़ा लगदा बैठ तां मैं 5.5-6 लै लए ओके सोके पर मैं तो इंटरव्यू नहीं दित्ती अच्छा पर इह जे गल कर लईए मोटी मोटी कि जेकर 12वीं पास बच्चा है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो या CBSE बोर्ड तो या किसी भी बोर्ड तो पढ़िया है 2017, 2018, 2019 ते 2020 पास आ 12वीं जी 50-55% नंबर हैगे आ जी और सिर्फ पास आ पास दा मतलब आईलेट्स नहीं हैगी नहीं है 12वीं पास दा सर्टिफिकेट हैगा है ओनू यूके भेज दोगे ओनू यूके भेज दांगे जी आईलेट्स दा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मैं पहला भी कहा तुसी 12वीं कीती हुई है 2018, 2019, 2020 दे विच आईलेट्स नहीं कीती नहीं कर सकदे कीती सी बैंड घट आ गए अपने सर्टिफिकेट चको आईलेट्स दा स्कोर कार्ड चको नहीं कीता ओनू घर ही रहण दियो पासपोर्ट चको मेरे कोल आ जाओ आपां तुहाडा यूके दा वीजा प्रोसैस कर जी सो जिहड़े विद्यार्थी यूके जाना चाहुंदे सी ऑफरां नहीं मिल पा रहियां सी नंबर घट सी आईलेट्स घट करके तो एजेंट ने कहता नहीं तू सिंगापुर चल जा सिंगापुर तो पाथवे लै ली साइप्रस चल जा साइप्रस तो पाथवे लै ली या तू यूक्रेन चल जा यूक्रेन तो पाथवे लै ली जापान चल जा उतो पाथवे लै ली अज एक होर मौका है 2017, 2018, 2019, 2020 च तुसी 12वीं पास कीती है दोबारा सुन लो पास कीती है 50-55% नंबरों का पास की है कोई 70% अंग्रेजी चो नहीं चाहिए कोई 90% नहीं चाहिए 40 नंबर भी अंग्रेजी चो है तां भी आ जाओ
ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਊਂਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਜਾਓ, 50% ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 33% ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 6 ਬੈਂਡ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਤੇ ਫੀਸ 12-15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੰਡਨ। ਲੰਡਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਲੰਡਨ ਜਾਓਗੇ, ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਕੋਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਫੀਸ ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਲੰਡਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ 45-50-55 ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 50-55% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 15-20 ਲੱਖ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 8.5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 13-14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 6-7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ 91-161-92-167 ਨੰਬਰ ਤੇ, 9216192167। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਮਿਲੂਗੇ। 9216192167 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਕੁ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ CAQ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੀਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਏ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਚਲ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CAQ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੋ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ CAQ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਫਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਬਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੂਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇ? ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
मेरी सलाह यह है कि जिन्नी जल्दी तो जल्दी अपने रिफंड मंगा लो, जिन्नी जल्दी तो जल्दी ये डिसीजन करा लो कि तुहाडी एक्चुअली च एप्लीकेशन का की बनना। जे सिर्फ ऑफर लैटर की स्टेज पर ही हो, करमा वाले हो, पैसे भेजने से हजे भेजे नहीं, कट्ठे नहीं हुए, दो दिन बाद मिलने से, बहुत चंगी गल है, तुहाडा बचाव हो गया, किसी होर चंगे कॉलेज के विच शिफ्ट हो जाओ। मोंट्रियल नहीं खत्म होया, बेसिकली अज भी मोंट्रियल के बहुत सारे कॉलेज ने, चंगे कॉलेज ने जो चलते पे, यूनिवर्सिटीज ने जड़ियाँ चलदियाँ पईयां, और हमेशा की तरह ये अगे भी पॉपुलर डेस्टिनेशन रहूगी स्टूडेंट की। पर जिहड़े कॉलेजों दी कुछ मैल प्रैक्टिस सीगियां, बट जिहड़े कॉलेजों ने कुछ गलत तरीके दे नाल बच्चे ले सी, या रीफंड वापस नहीं दिते, या होर सारियां चीज़ां कीतियां। मेरी मॉन्ट्रियल दे विच किसे कॉलेज वाले नाल गल हुंदी पई सी 3 दिन पहला, तो मैं उन्हूं पुछिया, मैं कहा यार की रौला की है कि यह सारा रौला सिर्फ वो दो कॉलेज ने जिन्होंने रीफंड नहीं दिते, राइजिंग फीनिक्स आलिया ने तो वो रिलेटिड कॉलेज से वह रौला, वो कहता नहीं कई चीज़ा ने गवर्नमेंट को यह नहीं पसंद। हूँ उही गल है ना कि आप सारे सौखिया चीज़ा लभद हैं, इस स्टूडेंट की भी गलती है कितना कितने कि वह कॉलेज दे दो भाजी जिसे वीकेंड क्लासा लगन घट पढ़ना पवे। सो उत्थे हो की रहा है कि मोंट्रियल दे विच कॉलेज है, सोमवार तो लैके शुक्रवार दे तक स्टूडेंट ब्रैम्पटन दे विच रहिंदा, आराम नाल अपना काम कुम करदा, शुक्रवार शाम नूं गड्डी चुकी मोंट्रियल आ गए, पंजा जणिया ने मोंट्रियल आ गए, अपनी शनिवार एतवार पढ़ाई कीती, एतवार रात नूं फिर ब्रैम्पटन वापस, ते सोमवार तो फिर काम चालू। सो तुहानूं की लगदा कि किन्नी देर तक ये चीज़ां गौरमेंट तो लुकियां रहिंदियां? ये भी एक बहुत वड्डा रीजन सी कि गौरमेंट कहती ना सानूं कोई रेवन्यू, ना बच्चा साडे कोल रह रिहा, ना साडे कोल अगों रहना चाहुंदा, पढ़ाई करके वर्क परमिट लैके रहना उन्हें ब्रैम्पटन ही है। सो क्यों यहोजी चीज़ों को बढ़ावा दिता जाए? सो अल्टीमेटली जो दसा चो कुछ कॉलेज वापस ये री इंस्टेट भी हो गए, जो मैं डेफिनेट श्योर हाँ कि हो गए, जिहड़े वापस री इंस्टेट हो गए उन्होंने तौर तरीके बदल जाएंगे, उन्होंने तुम्हें एडमिशन देने का तरीका बदल जाऊगा, तुम्हें पढ़ाने का तरीका बदल जाऊगा, तुहाडे तो फीस लैन का, तुम्हें रिफंड देने का कई तरीके बदल जाएंगे। सो अज की डेट के भी जो इन्होंने कॉलेजों कितने ना कि फसे हो, तुम वेट करना चाहते हो, जी सदके करो कि 3 महीने है, इट इज़ योर टाइम, है ना। कितने कोई ऑफर लैटर लेट हो जाती उदों तो बच्चा आकर कहता जी मेरे तो तुम्हें टाइम ही बड़ा खराब करता। सो एक किसी के कंट्रोल वाली सिचुएशन नहीं हैगी, मैं कहां कि तुहाडे के एजेंट का कसूर है या उस कॉलेज का कसूर है। सो अल्टीमेटली कसूर किसी का नहीं हैगा, बट जे हुण फांसी गए हो तो बैठे इंतजार ना करी जाओ, जिनी जल्दी तो जल्दी हो सकता कि रीफंड लैना या एप्लीकेशन वापस लैनी, या उस कंसल्टेंट को भी कहना, मैं नहीं कहता मेरे को आकर फाइल लवाओ, उन्होंने भी कहना कि भाजी मैनू दूजे कॉलेज पा दे, मैं नहीं जाना। बड़े लोग कहते थे जी कि प्राइवेट कॉलेजों जाना चाहिए, प्राइवेट कॉलेजों नहीं जाना चाहिए, सरकारी कॉलेज चल जाओ, ये इस लिस्ट च एक सरकारी कॉलेज भी है जिसकी CAQ बंद होगी। सो कभी किसी देखा सी कि एक गवर्नमेंट का कॉलेज विच इज पब्लिक कॉलेज, वो भी पब्लिक की पॉलिसी करके या मिनिस्ट्री की पॉलिसी करके उसदे भी होल्ड लग गया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो गई। मतलब अगर 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 कंसल्टेंट कोई हाथ पल्ला नहीं फड़ा रहा स्टूडेंट नूं, उसकी फीस वापस नहीं करवा रहा, ऑब्वियसली उन्हें लालच है कि मेरा वीजा आऊगा, मैं 4 पैसे बचने। जी जी, अगर बच्चे की फीस वापस नहीं करा रहा, बच्चा परेशान है, बार बार गेड़े ला रहा, की कोई तुम हेल्प कर सकते हो? देखो जे परेशान हो, फीस फस गई है और नहीं कुछ हाथ पे, देखो मैनू काफी हद तक लगता है कि फीसा मुड़नगियां, पर जिन्नी जल्दी लै लो उन्ना चंगा। मान लो मेरे को 10 रुपए है, ठीक है, तो मैं 20 जणिया 2 रुपए देने हैं। सो मेरी कोशिश होगी कि 10 जिहड़े पहला जिहड़े 10 लै ले, बाकी जिहड़े रह गए। सो जे तुहानूं पहला 10 चो अपना शेयर मिलता तो जरूर लै लेना चाहिए। जे किसी कारण करके तुहानूं लगता कि तुहाडा एजेंट तुहाडा रीफंड नहीं पा रहा, या कॉलेज वल्लों तुहानूं रीफंड लई मना हो रहा, तुसीं मैनूं मेरे कोल आ सकदे हो, मेरे ऑफिस विजिट कर सकदे हो, मैं तुहानूं कैनेडा दे विच किसी अपने ऑफिस के बंदे दे नाल कनैक्ट करा दांगा जिहड़ा तुहाडे बिहाफ ते काम कर दूगा, उहदे विच उह सर्विसिज़ दा ही तुहाडे तों कोई पैसा नहीं लैणा, कुछ नहीं लैणा, एक हैल्प है कि यार इस बंदे नाल कॉन्टैक्ट कर लो, वह तुहानूं लाइन ते लैके चाहे कॉलेज नाल गल कर ले, चाहे ईमेल तुहाडी पास ऑन कर दे। सो जिन्नी कोशिश हो सकती है साडी कि तुहाडे पैसे बच जाण, तुहाडा जिहड़ा ये बड़ी मेहनत ना पैसा कमाया जाता, सो ये पैसा तुहानूं जे वापस मिल गया तो उन्ना ही चंगा। जी, सो कनेडा का कोई भी समस्या है, ओवरऑल 6 बैंड 165 बैंड की सप्लाई करना चाहते हो, क्यूबैक या ओंटारियो या कितने भी करना चाहते हो, ओम ग्लोबल में संपर्क कर सकते हो। फीस फस गई है, CAQ सस्पेंड हो गई है, CAQ आई सी, फाइल लैजर लानी सी, अगे की किया जाए वो बारे जानकारी चाहते हो, 9216-9167 नंबर पर कॉल कर सकते हो। किसी भी तरह की कैनेडा स्टडी वीजा संबंधी कोई सवाल है, कॉल करो 9216-9167 नंबर पर। कहना साहब 2-3 मिनट का समा चाहिए, ऑस्ट्रेलिया बारे थोड़ी नजर मार ली, ऑस्ट्रेलिया किस तरह रोका? बहुत वधिया जी, अज की डेट च भी वीजे आ रहे हैं। सो बहुत सारा स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट नूं जे अज की डेट च डर हैगा, वह वहम हैगा कि यार कदों ट्रैवल कदों करांगा, मैं बिल्कुल इत्थे तुहाडे नाल एग्री करदा, मैं भी यह सोचदा कि यार कदों ट्रैवल करूगा बच्चा, जिहड़े बच्चे ने पढ़न जाना, पिछले साल दे 2020 दे भी इन्ने क वीजे आए हुए हैं, जिहड़े बच्चे हजे इत्थे बैठे आ, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ने डैफर कर लिया, सो कई तरह के क्वेश्चन दिमाग च आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया वर्गी कंट्री नहीं हैगी। अज भी वीजा मिलता पाया, अज की डेट का वीजा, तुम मेरे ऑफिस
ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸੋ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਫਿਸ ਬੱਚਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਫਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲੂਗੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਓ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸੋ ਕੀ 2.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਖਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਵੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੁੱਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਜਿੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਸੋ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 2017-18-19-20 ਪਾਸ ਆ 2017-18-19-20 ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਆ 50-55% ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਆ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ 40-45% ਨੰਬਰ ਆ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਡਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ 1-4 5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬੈਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ 10 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ CAQ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 92-161-92-167 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9216192167 ਸੋ ਆਓ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਰਾਹੀਂ ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਖਿਆਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ